जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की। जैसा कि पिछली क्लास है, प्रमुख रूप से हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी पार्ट नंबर 2 के बारे में प्रमुख रूप से बताने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है। याद रखें, यदि आप माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं तो सीधा जुड़ जाए फ्यूचर अकेडमी XYZ से, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल, बेस्ट टीम के साथ सारी चीजें आपको देने का कार्य करता है। इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं ना कि चीजें बढ़िया ढंग से हो जाए, इस बार सिलेक्शन हो जाए, तो भैया आपसे कह रहा हूँ एक बार भरोसा करके देखो फ्यूचर अकेडमी XYZ से। क्योंकि ना मैं आपको बता रहा हूँ, चीजों को इतना सिंपल कर दूंगा, आपके लिए इतना फ्रेंडली कर दूंगा ना, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। जिस प्रकार आपने देखा होगा, आप अपने मित्रों के साथ जाते हो, मित्रों के साथ जाने के बाद ना क्रिकेट खेलते हैं तो बड़ा आनंद आता है ना, आपको ना किताब पढ़ने पर भी उतना ही आनंद आएगा। इस बात की गारंटी मैं स्वयं आपको दे सकता हूँ। इतनी सिंपल तरीके से आपको चीजों को पढ़ाने का कार्य करूंगा। इसके अलावा आपके लिए एक नई सुविधा और प्रारंभ कर दी जा रही है। अब सुविधा क्या है कहना सर जी? सुविधा यह है कि आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है किसी भी टॉपिक में, जीके जीएस से रिलेटेड अगर कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत है, तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में करने के बाद मुझसे पूछ सकते हैं, सर जी ये टॉपिक आप पढ़ा दो, तो आप लोगों के लिए वो वीडियो है ना अलग से बना दी जाएगी, आपसे वीडियो अलग बना दी जाएगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जानदार शानदार तरीके से आपके लिए प्रयास रहेगा कि आपके सिलेक्शन की ओर आप लोग अग्रसर हो और बढ़िया तरीके से एक बेहतरीन सी नौकरी ले, नौकरी लेने के बाद माँ बाप का सपना को पूरा करने का कार्य करें। ठीक है ना, कई चीजें ऐसी होती है ना जो शायद माइक के द्वारा आपके आपसे नहीं कही जा सकती है, लेकिन उस चीज का दर्द है ना, आपको बता दें जो गरीबी का दर्द होता है, जो लोगों के तानों का दर्द होता है, वो शायद है कि मुझसे अच्छा कोई समझ सकता होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चीज़ों को बढ़िया ढंग से चलिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अपना भाई और बहन समझकर बढ़िया तरीके से चीज़ों को पढ़ाने का कार्य करूंगा। जैसा कि हमने पिछली क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में चर्चा की थी, कुछ चीज़ों के बारे में और भी बताया था। आज हम लेक्चर नंबर 11 यानी संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे। बढ़िया तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। अगर बात करें प्रमुख रूप से, तो हमने ये कुछ अक्रिय गैसें लिखी हैं। अक्रिय गैसें क्या होती हैं? प्रमुख रूप से पहले तो इस बात को हम जान लेते हैं, अक्रिय गैसें होती क्या हैं। बेटा देखो, याद रखिएगा, अक्रिय गैसें वह गैसें जो किसी भी चीज के साथ रिएक्शन ना करें, ना ही अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागें, ना ही अपने इलेक्ट्रॉनों को किसी को ग्रहण करें, यानी चक्कर पकड़ करने की आदत है। आपने देखा होगा बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जिनकी आदतें हैं ना, आपको बता दें कुछ अलग लेवल की होती है। कहना सर कैसे अलग लेवल की? ऐसे अलग लेवल की कि यानी खुद की तो शादी धो रखी होती है, लेकिन वो पड़ोस वाली को देख रहे होते हैं। तो ये चक्कर पकड़ वाला सिस्टम, यानी रिएक्शन करने वाला। लेकिन अक्रिय गैसें प्रमुख रूप से ऐसी होती हैं, जैसे आपने देखा ना घोड़े के ऊपर यहाँ पे बगल में दो पट्टे लगे रहते हैं, यानी ना यहाँ ना यहाँ, बढ़िया सीधा अपना रास्ता, यानी बिल्कुल सिंपल, यानी विष्णु टाइप जो गैसें होती हैं इनको अक्रिय गैसें कहते हैं, बिल्कुल शांत माहौल की। ठीक है ना, ये किसी भी साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, इनको अक्रिय गैसों के रूप में हम जानते हैं। तो इनकी कुछ, तो हम प्रमुख रूप से इस बारे में जानेंगे कि हमारे पास कुछ गैसें मौजूद होंगी। संयोजकता बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इस चीज़ में बड़ी बेहतरीन तरीके से क्लैरिटी होना बड़ी आवश्यक होती है। तो हमारे पास कुछ गैसें हैं जिसको हम अक्रिय गैसों के नाम से जानते हैं, तो इसकी एक ट्रिक हो सकती है जिसको हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। और ट्रिक क्या होगी? बढ़िया जानदार शानदार ट्रिक हो सकती है। ट्रिक बढ़िया होनी चाहिए। ही नी अर की एक्सरेन, इस तरीके से याद करिएगा। क्या? ही नी अर की एक्सरेन, इस तरीके से याद कर सकते हैं। और तमाम आप अपनी खुद की भी ट्रिक बना सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा जल्दी याद हो, क्योंकि ना आपकी बनाई हुई चीज़ होगी ना, वो कहीं ना कहीं बेहतरीन होगी, लाजवाब होगी और गजब होगी। तो इसके प्रमुख रूप से अगर बात करें, हीलियम के 2, अगर हीलियम नियॉन के 10, ऐसे 2, 10, 18, ठीक है, 2, 10, 18। इसके अलावा बात करेंगे 36, 54, 86। क्या? 36, 54, 86। हमने इस बारे में आपसे कल भी चर्चा की थी कि याद रखिएगा, इस अंक को ना हमें याद करके रखना है। क्या? 2, 10, 18, 36, 54, 86। इसके लिए हमने आपको मैजिकल नंबर के बारे में बताया था कि वो मैजिकल नंबर कौन सा रहने वाला है। तो मैजिकल नंबर था 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ये एक मैजिकल नंबर था जो कि हमने कल आपको प्रमुख रूप से इसके बारे में बताया था। यानी 2 तो यहाँ पे हो ही गया है, अब 2 में क्या जोड़ना है? कहना सर 8, तो हो गया 10। और 10 के में क्या जोड़ना है? कहना सर फिर 8 जोड़ेंगे तो 18, फिर कितना जोड़ेंगे 18 में? कहना सर 18, तो 36, और 36 में फिर 18 जोड़ेंगे तो 54, और फिर 54 में जोड़ेंगे 32। इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से हमें आगे बढ़ना होता है। इसको बेटा मैजिकल नंबर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मैजिकल नंबर के नाम से हम जानते हैं।
करते हैं, ठीक है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, इसको आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा आगे हम प्रमुख रूप से बात करें, आगे की चर्चा करें तो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमने आपको प्रमुख रूप से कुछ चीजें बताई थी, जैसे कि अगर हम बात करेंगे, अच्छा इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसमें, तो इसको हम विभिन्न तरीके से दर्शा भी सकते हैं, क्या ना सर, कैसे, देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको हम एस से प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा एस से डिफाइंड होंगी ये चीजें, लेकिन हमें इसी के विपरीत दिशा में जाएंगे तो हमें सारणी याद करनी पड़ेगी, और सारणी मैंने आपको हर क्लास में बताई है, ठीक है। सारणी एक बार आप कहेंगे तो फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर एस आ जाएगा, ठीक। हर क्लास में बेटा हम आपको सारणी बता रहे हैं, आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर एक अंक छोड़ेंगे 2 से 2, 3, 4, 5, 6, 7 पी, ठीक है, पी 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 पी, इसके बाद 3 से स्टार्ट 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, डी 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 डी, फिर 4, 3, 4, 5, 6 और 7, एफ 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 और एफ, इस तरीके से। फिर हमने आपको बताया था इस बारे में कि आपको यहाँ पे सर्कल बना देना है, तो इस तरीके से सर्कल बना दीजिए, बड़ी सिंपल तरीके से हर क्लास में बता रहे हैं बेटा, आप तो रट जानी चाहिए आप लोगों को। अब ना आप मुश्किल से एक मिनट से कम में भी ना आप इस चीज को बना सकते हैं। अब इस तरीके से सर्कल बना देना है, सर्कल बना देने के बाद क्या करना है अपना, वो 1, 2, 3, 1, 1, ठीक, 1, 2, 2 आ गया, ठीक, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, इसके बाद 4, 5, 6, 7, इसके बाद 5, 6, 7, 6, 7, इस तरीके से याद करना है। हर बार बताया, हर बार डिफाइंड किया आपको चीजों को कि बेटा इस तरीके से, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना ही पड़ेगा। याद नहीं है तो बनाना सीख लीजिए, तुरंत बन जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। अगर हम प्रमुख रूप से बात करें, जैसे मान लीजिए कभी कभी पूछ लेते हैं लंबे, तो आप इनको 1s1, 1s2s2p इस तरीके से नहीं कर पाएंगे आप, अगर चीजें ज्यादा बड़ी हो जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए एजी की बात करें, तो एजी में क्या होता है, क्या सर, 47 होता है। अब क्या 47 को 1s2s3s की ग्रुप में डिफाइन करेंगे, कहना सर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चीजें कहीं ना कहीं कठिन हो जाएंगी। अब हम प्रमुख रूप से बात करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है हमें, तो कहना सर देखो ये हमारे 47 है, ठीक है ना, 47 से जस्ट एक अंक पीछे आना है बस, और कुछ नहीं करना है, जस्ट एक अंक पीछे आना है। तो जस्ट एक अंक पीछे आएंगे तो बेटा हमें मिलेगा 36, क्या मिलेगा, 36 मिलेगा, ठीक है। एक अंक पीछे आएंगे तो कहना सर, एक अंक अगर हम पीछे जाते हैं ना, तो एक अंक पीछे तो 45 होता है, लेकिन ना हमारे यहाँ पे सारणी में कोई 45 से रिलेटेड कोई फंक्शन नहीं है। तो अगर हम 47 के पीछे जाएंगे तो हमें केवल 36 दिख रहा है, 47 के ऊपर जाएंगे तो 54 दिख रहा है, लेकिन हमें ऊपर नहीं जाना है। याद रखिएगा, प्रमुख रूप से एक बात बताना चाहूंगा, हमेशा पीछे ही जाना है, तो हमें मिलेगा 36। तो हमको रिजर्व, आप प्रमुख रूप से बात करेंगे, KR 36 हो जाता है, KR 36 हो जाएगा, और ये किसको प्रदर्शित करेगा, कहना सर ये प्रमुख रूप से आपको बता दें तो 5S को प्रदर्शित करेगा, किसको, 5S को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। 36 तो यहाँ बेटा निकल चुके हैं, कहना सर ठीक है, हमने 47 में से 36 घटा देंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा 36 घटा देंगे तो क्या इतना बचेगा, कहना सर 11, यहाँ पर इसका कितना निकल गया है, कहना सर 5S, यहाँ पे ना जस्ट यहाँ पे आएंगे। अब 5S कहाँ पे है, कहना सर ये रहा, 5S के बाद कितना आता है, कहना सर 4D आता है, तो कॉमा में 4D लिखेंगे, इसके बाद क्या आएगा, कहना सर P आएगा। अच्छा वैसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लिख दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब समझिएगा, हमें 11, 36 हो गए हैं, अब एस को कितने देंगे, कहना सर 2 देंगे। अब डी को यहाँ पर कितने विद्यार्थी हैं जो बताएंगे कि डी को अधिकतम कितनी पूड़ियाँ हम खिला सकते हैं, कहना सर जी को अधिकतम हम 10 पूड़ियाँ खिला देंगे, ठीक है। अच्छा इसके अलावा प्रमुख रूप से 10, 2, 12 हो गए भैया, ये तो कितने हो गए, 12 हो गए, तो हमें तो 12 चाहिए ही नहीं है, हमें तो कितना चाहिए, 9, मैंने मतलब इसको 9 पूड़ियाँ खिला देंगे और इसको भैया उठा देंगे कि भैया आप जाइए, खाना खत्म हो गया है। ये चीज़ हम प्रमुख रूप से बता चुके हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, जिन विद्यार्थियों ने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं वो जाकर पहले पिछली क्लासें देख लें, क्योंकि पिछली क्लास अगर आपको नहीं आएंगी तो आपकी चीज़ें सारी गड़बड़ हो जाएंगी। यहाँ पर देख रहे हैं 4D9, ये चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा अगर हम प्रमुख रूप से बात करें तो यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी, कहना सर क्या, देखो डी में कंडीशन होती है, डी में ना एक कंडीशन होती है K
कहना सर डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? कहना सर डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर हम इसका आधा करेंगे, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ध्यान से सुनना है, तो कितना बचेगा? 5, और 5 बचेगा और ये 10 है, ठीक। अगर हम बात करेंगे तो डी है ना दो चीजें नहीं करता, जैसे अपने यहाँ क्या होता है ना कभी कभी, जैसे प्रमुख रूप से बात करेंगे तो कहते हैं ना तीन लोग नहीं जाना चाहिए, तीन चीजें नहीं रखना चाहिए, तीन अपशकुन होता है, तीन की जगह 4 कर लो या तीन की जगह 2 कर लो, इस तरीके से चीजें होती हैं, अपने यहाँ भी होती हैं। तो डी को भी ना एक अंक पसंद नहीं है, एक डी को अंक नहीं है, 9 पसंद नहीं है और बेटा 4 पसंद नहीं है, यानी पूरे में से एक कम और आधे में आधा करके उसमें भी एक कम, ठीक। याद रखिएगा 9 और 4, याद रखना सिर्फ 9 और 4 ना उसको पसंद नहीं है। डी 10 होते हैं, 10 में एक कम 9, और डी का आधा हो गया 5, तो 5 का 5 में एक कम तो हो गया 4, यानी ये दो चीजें है ना इसको पसंद ही नहीं है, ये कभी नहीं रह पाएंगी, कहना सर समस्या हो जाती है। जैसे इस जिस तरीके से अपने यहाँ कहा जाता है ना कि भाई तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तीन तिकट महा बिकट, इस प्रकार की तमाम प्रकार की पहेलियां जो होती हैं वो अपने यहाँ भूली जाती हैं, तो तीन लोग बड़े अपशकुन माने जाते हैं, ठीक है ना। तो 9 और 4 का जो कॉम्बिनेशन है ना 9D में, ये कहता है भाई 9 और 4 नहीं चलेगा, 9 से आप 10 कर दोगे और 9 की जगह अगर आप 8 कर दोगे चलेगा, 4 की जगह 5 कर दोगे, 4 की जगह 3 कर दोगे चलेगा, लेकिन आप अगर ये इस बात के बारे में सोच रहे हैं कि हम 9 और 4 ले लेंगे तो यह असंभव है, इस चीज को हम नहीं कर पाएंगे, तो अब क्या करेंगे? कहना सर कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे ना, इसको एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भेज देंगे, क्योंकि देखो समझो एक बात समझो, इसको हम 8 इसलिए नहीं कर सकते हैं, मान लो कहना सर आपने इसको तो यहाँ पे भेज दिया, आप इससे यहाँ को भेज देते, यानी इससे लेके एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देते, आपने इससे लेकर यहाँ पे क्यों भेज दिया? बेटा एक प्रमुख कारण है, क्योंकि हमने बार बार आपको बताया है कि एस में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, 2 की जगह आप 1 कर पाएंगे, यानी 2 की जगह आप, जैसे आपकी क्षमता 2 पूड़ी खाने की है तो आप 2 खा लेंगे, 2 की जगह 1 खा लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 2 से ज्यादा 3 खाएंगे तो पेट गड़बड़ होगा भाई, सिस्टम हैंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार ना हम इसको एक लेके इसको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये भैया खत्म हो जाएगा, यानी 2 की जगह 3 ये खा ही नहीं सकता है, लेकिन 2 की जगह 1 खा सकता है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया और ये अब जो बनेगा वो बनेगा 5s1-4d10। ये बेटा करेक्ट है और ये कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, बता बच्चे अधिकतर बच्चे इसी चीज को करके आते हैं और वो गलत कर पाते हैं, भैया ये बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, याद रखिएगा बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है यहाँ पर, ये क्या है गलत है और यही सही है, ठीक। इस तरीके से आपको चीजों को करना है। अगर हम आगे की बात करेंगे तो एक भी और अगर हम बात करें तो बहुत सारे अपन को चीजें मिल जाएंगी, जैसे अगर हम बात करेंगे अगर अगर हम आगे की ओर चर्चा करेंगे तो 13 में क्या रहता है, एफ पे अगर बात करेंगे तो एफ में 2 चीजें नहीं ले सकते हैं, जैसे डी में हमने बताया ना अभी आपको 4 और जो होता है 9, 4 और 9 कभी नहीं रह पाएंगे, इसी प्रकार अगर हम एफ की भी बात करेंगे तो एफ में जो है ना आपको बता दें 13 और 6, यानी 13 और 6, कहना सर कैसे? देखो एफ की अगर प्रमुख रूप से बात करो तो एफ में अधिकतम संख्या कितनी होती है, कहना सर 14, ठीक। अगर हम एफ में बात, जैसे 10 में अधिकतम कितनी होती थी, 10 में एक कम किया तो 9, ऐसे 14 में एक कम किया जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 13, और इसके अलावा प्रमुख रूप से बात करेंगे इसका आधा तो 7, 7 में एक कम तो इतना 6, यानी ना ही तो F में 13 रहेगा और ना ही 6 रहेगा। हमने आपको बार बार इस बारे में बताया कि जिस प्रकार अपने यहाँ कहा जाता है ना कि अपशकुन हो गया, तीन तगाड़ा काम बिगाड़ा, तीन तकट महा बिकट, इस प्रकार की तमाम पंक्तियां प्रचलित हैं अपने अपने आप लोगों के समाज में, अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी प्रसिद्धियां प्रसिद्ध है कि भाई 3 नहीं होना चाहिए, 3 खराब मानते हैं, अशुभ मानते हैं। तो इसी प्रकार डी भी 9 और 4 को अशुभ मानता है, एफ भी 13 और 6 को अशुभ मानता है। अगर ये चीजें आपको दिख जाती हैं तो आपको फिर मैनेज करना पड़ेगा, और नहीं दिख रही है तो फिर कोई समस्या ही नहीं है, फिर तो बढ़िया है सब, ठीक है। यहाँ पर अपन को दिख गया 9 दिख गया और हमने आपको बोला कि भैया याद रखना 9 जो होगा ना, आगे की प्रमुख रूप से बात करें तो 9 और 4 का विशेष ध्यान देना है, एफ में 13 और 6 का विशेष ध्यान देना है, इन चीजों पर बड़ा गौर करना है। अगर हम आगे की बात करेंगे तो हम लोगों ने पढ़ा था, आपको बता दें कि देखो ना 8 अगर किसी भी कक्षा में, अगर किसी भी
किसी भी तत्व के बाहरी कक्ष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो एक स्थायी हो जाता है, ये हमने बताया था। और सभी जो प्रमुख रूप से तत्व होते हैं तो वो क्या रहते हैं, अपने आप को क्या करना चाहते हैं, वो 8 अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ले आना चाहते हैं। अच्छा, ये सभी में संभव थोड़ी ना हो सकता है ना, देख सकते हैं क्या होगा आगे, चीजें देखते हैं। तो अगर हम बात करेंगे ना, इसको थोड़ा सा हम रफ करे दे रहे हैं, फिर चीजें और बढ़िया तरीके से आएंगी आपको। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलिए। हाँ देखो, अगर हम प्रमुख रूप से आगे की चर्चा करें तो देखो, अगर हम बात करेंगे ये देखो कक्षाएं कौन सी, के एल एम और एन हमारे पास कक्षाएं होती हैं, ठीक है कहना सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, कहना सर पहली कक्षा में 2 हो सकते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32, यानी ये अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अगर के में अगर बात करें तो के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं, एल में 8 रह सकते हैं, एम में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इस तरीके से चीजें रहती हैं। यदि अगर किसी भी कक्षा में बाहरी इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, अगर 8 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं संतुष्ट हो जाता है और वो कह सकते हैं ना एक स्थायी हो सकता है। जैसे आपने सुना होगा कि अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो मैं एक स्थायी हो जाऊंगा, तो ये क्या करते हैं, आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, भाग रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से जॉब लग जाए। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो सोचते हैं कि नहीं हमारी अब बाहरी कक्षा में क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए जिससे हम स्थायी हो जाए, ये सभी लोग सोचते हैं, ठीक। तो ये चीजें रहती हैं। अगर हम बात करेंगे इसको, अगर मैप से जानने का प्रयास करेंगे तो कहीं और भी चीजें अच्छी हो सकती हैं। इस चीज को हमने परमाणु वाले चैप्टर में बड़ी बेहतरीन ढंग से पढ़ा रखा है, जिन विद्यार्थियों ने पढ़ा नहीं है वो जाएंगे, परमाणु प्रमुख रूप से बता दें परमाणु वाला चैप्टर है, उसमें हमने चीज को बता रखा है। अच्छा, हम अगर बात करेंगे कुछ चीजों के बारे में तो हमारे पास अगर आप बात करें, सारणी बनाते हैं एक, अच्छा एम सॉरी के एल एम और एन, कहना सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। के में अधिकतम कहना सर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसमें 2, 8, 18 और इसमें 32 रह सकते हैं। मान लो कोई भी तत्व हमारे पास आया और आने के बाद क्या किया गया, उसका सर्कल देखो। अगर हम बात करेंगे Mg12 के बारे में तो इसमें किस तरीके से चीजें जाएंगी, कहना सर पहली कक्षा में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में कहना सर 8 होंगे, 8 2 10, 8 कितने हो गए, 8 और 2 10, अब कितने बचे, कहना सर 2 बचे। ये नहीं, अगर अब ये 2 क्यों छोड़ दिए है ना, कि ये कहीं ना कहीं किसी को जिसको भी जरूरत पड़ेगी ना वो इस इलेक्ट्रॉन को साझा कर लेगा बॉन्ड बनाने के लिए, तमाम प्रकार की रिएक्शन करने के लिए, आगे चैप्टर आएंगे तो समझाएंगे और बढ़िया तरीके से। अब ये 2 बचे हैं ना, ये किसी और तरीके से, जैसे अगर हम बात करें प्रमुख रूप से ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु क्रमांक, इसकी अगर बात करेंगे तो इसके जो बनेंगे पेयर वो 2 और 6 बनेंगे। अब ये 2 6, इसमें आखिरी कक्षा में ये भी क्या करना चाहेगा कि भैया हमारी आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसे साझा करेगा, कहना सर बिल्कुल करेगा साझा, तो ये इससे रिएक्शन कर पाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इसने 2 छोड़ दिया कि भैया तुम रिएक्शन करो और आगे की देखो चीजें, और अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, अब ये क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस तरीके से सभी जितने भी होंगे चीजें वो अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करेंगे एल्युमिनियम की, अगर हम AL की बात करें प्रमुख रूप से, तो इसका परमाणु क्रमांक 13 होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो एक बात याद रखिएगा, हम जब भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेंगे तो अधिकतम 4 का ही हम हेर फेर कर सकते हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, अधिकतम 4 इलेक्ट्रॉनों को दान कर सकते हैं, लेकिन 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों का दान हम नहीं कर सकते, ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है। इसके अलावा हम और भी चीज़ों को देखेंगे, तो अगर बात करें Ca20 के बारे में, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर कितना, कहना सर 8 2 10 हो गया, 10 के बाद यहाँ पर भी हम कितने कर देंगे, 8 और यहाँ पर कितने करेंगे, 2। कहना सर ऐसा आपने क्यों कर दिया, अगर इसकी अधिकतम क्षमता 18 की है तो आपने यहाँ पर 8 ही इलेक्ट्रॉन क्यों भरे। देखो बेटा याद रखिएगा, हमने आपको इस बारे में बताया कि बाहरी कक्ष में जब अगर किसी तत्व को स्थिर रहना है तो वो अपनी बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहेगा, ठीक है।
भले उसकी कैपेसिटी कितनी भी हो लेकिन उसको 8 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए अपनी बाहरी कक्षा में। अगर इसको संतुष्ट होना है, मान लो जस्ट हमने यहाँ पे इसको दे दिया तो 8 तो हो जाएगा 10, और 10 के बाद इसको 10 को 10 हो जाएगा। अब याद रखना, अगर इसको संतुष्ट अगर पूरा होना है तो पूरा पूरा तो ये फिर भी नहीं होगा क्योंकि 18 चाहिए। अच्छा, फिर त्याग भी नहीं कर पाएगा क्योंकि इस अगर ये 10 हो जाएगा तो समझिएगा, अगर बात करेंगे अगर ये प्रमुख रूप से अगर 8 इलेक्ट्रॉन है और अगर ये दान नहीं करेगा, यानी 8 10 हो जाएगा। अब 10 हो जाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन इसको कोई देगा नहीं क्योंकि हमने आपको बोला प्रमुख रूप से 4 ही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया जा सकता है, यानी 4 ही इलेक्ट्रॉन का आप हेरफेर कर सकते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का हेरफेर नहीं कर पाएंगे आप। तो ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है, इसलिए हमने इसके 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर रख दिया जिससे कि वो रिएक्शन कर पाए किसी और चीज से। ठीक, अगर हम आगे की का एग्जाम्पल और देखें तो Fe 26 देखें तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर हम कहना सर 14 रख सकते हैं और यहाँ पर हम 2 फिर निकाल देंगे। याद रखिएगा यहाँ पर 2 ही रखना है, 2 से ज़्यादा रखेंगे तो ये एक अपना ग्रुप बना लेगा, एक अपनी अपने ही कहते नहीं है कि भैया किसी को ना अलग, जैसे मान लो कोई गैंग है, गैंग में से कोई एक अलग लीडर निकला और वो तोड़कर उसने अपनी अलग गैंग बना ली, इसी तरीके से ये है। अगर 2 से ज्यादा इसको ढील देंगे ना तो ये अपनी अपनी ही धुन में मस्त होगा, ये फिर बढ़िया मतलब खत्म कर देगा। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, 14 हो गए, यहाँ पे 2 कर दिए। अब इसको प्रमुख रूप से पूरा होने के लिए 8 यानी 4 ही चाहिए। ठीक, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है, यानी यहाँ पर 2 कर दिए हैं। इस तरीके से चीजें होती है। अगर हम और भी रूप अगर चीज़ों में दिक्कत हो, कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो आप लोग मुझको कमेंट कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से आपकी सॉर्ट आउट हम किए करेंगे बढ़िया तरीके से। चिंता नहीं करना, अगर नहीं आया समझू तो फिर से कहना, हम फिर से समझा देंगे। जो भी दिक्कत हो आप हमें कहिए, हम आपको पूरा सोल्यूशन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जब तक आपको समझा नहीं देंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है ना। अच्छा, आगे देखते हैं इस चीज़ को, हम आगे की ओर चल रहे हैं। हाँ देखो, अगर हम बात करेंगे AL13 की तो इसमें क्या करेंगे, देखो कहना सर पहले में 2 आ जाएंगे, दूसरे में 8 आ जाएगा और तीसरे में कितना, कहना सर तीसरे में 3। ये 3 आया है यानी आखिरी में जो इलेक्ट्रॉन बचता है इसको ही बेटा हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, कहना सर इसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा जो अंतिम में बचेगा ना उसको ही संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है कि बताइए इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, क्या पूछेगा, वो पूछेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। तो कहना सर संयोजी जो इलेक्ट्रॉन है ना इस तरीके से निकाल लेना, वो 3 ऑप्शन में रहेगा, टिक कर दीजिएगा। आगे की अगर हम बात करें प्रमुख रूप से, तो अगर हम बात करें Cl की, Cl में कितने होते हैं, 17 होते हैं। अगर बात करेंगे इसमें तो इसमें देखना 2 8 कितने हो गए, 8 2 10, 10 के बाद आखिरी में कितना बचेगा, कहना सर 7। तो इसको क्या बोलेंगे, कहना सर ये हमारा जो आखिरी में बचा है इसको बोलेंगे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी जो अंतिम में रहता है ना बेटा, कहना सर उसको ही हम संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। अगर हम और भी एग्जांपल की बात करेंगे CA का बात करेंगे तो 2 8 2 8 10, अब कितना बचा है, कहना सर 10 ही बचा है। और हमारी कब अगर प्रमुख रूप से बात करेंगे 10 हम नहीं ले सकते हैं, आपको हमने पिछले ही ग्राफ में बताया कहना सर हम 10 नहीं ले पाएंगे, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर 1 8 लिख लेंगे और 2 बाहर फेंक देंगे। तो इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन बनेगा वो क्या बनेगा, कहना सर संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 बनेगा। क्या बनेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 बनेगा। इस चीज को हम बता चुके हैं कि 10 यहाँ पर क्यों नहीं लिया हमने, ठीक है ना, क्योंकि हम अधिक से अधिक 4 ही इलेक्ट्रॉन का हेर फेर कर सकते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा इस बात को। और ये चीजें है ना कहीं एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ ली आती है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। तो आप प्रमुख रूप से आज हमने आपको संयोजकता या संयोजी इलेक्ट्रॉन को निकालने के बारे में प्रमुख रूप से बताया, चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से रही। और आज कहीं ना कहीं टेक्निकल इतनी दिक्कत हुई ना कि माइंड ना जितना जो और भी चीज़ें और बेहतरीन हो सकती थी लेकिन कहीं ना कहीं माइंड है ना वो ऑफ हो गया, इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। आपको बताएं सत्यता बता दें तो बड़ी ज़्यादा, क्योंकि ना कहीं कैमरा टेंशन दे रहा है, कहीं माइक टेंशन दे रहा है, कहीं कुछ बड़ी टेंशन हुई। लेकिन हमने कहा नहीं भाई, बच्चों के भविष्य की बात है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, चीज़ें बढ़िया चलेंगी, जानदार शानदार तरीके से चलेंगी, चीज़ें बढ़िया लगती हैं आप लोगों को। इसके लिए आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जितने भी हमें विद्यार्थी हैं मैं जो देख रहे हैं,
आप लोग भाई ऐसे ही बने रहिए और लाइव रहिए, बिल्कुल डेली वीडियो देखिए। केमिस्ट्री में आपको ना बादशाह बना दिया जाएगा फ्यूचर अकेडमी एक्स वाई जेड के माध्यम से। चीज़ें बढ़िया लगी, जानदार शानदार लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करके अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।